हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर जो इस समय पर सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रंट रनिंग का जो केस चल रहा है, जो आइडेंटिफाई किया है कि फ्रंट रनिंग कर रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड, तो उसके ऊपर हमें अब क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें अब क्विट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड, क्वांट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इस तरह से काफ़ी सारे क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा हुआ है। तो अब बात ये आ रही है कि क्या हमें अब क्वांट के अंदर बने रहना है या फिर हमें यहाँ से अपना पैसा निकाल करके अपने पैसे को सुरक्षित रखना है। यानी कि आज के इन्वेस्टर के मन के अंदर बहुत बड़ी दुविधा है, तो मैं आपकी ये दुविधा इस वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से क्लियर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आखिर तक, और वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की। देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करके दी है, काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न्स दिए हैं और ये काफ़ी अच्छे फंड्स बना हुआ है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, हम आपको म्यूचुअल फंड की पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि इसके अंदर ही छुपा है सारा कुछ राज, सारा राज इसके अंदर छुपा हुआ है और फ्रंट रनिंग क्या होती है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सर्च कर लेते हैं। जब क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सर्च करेंगे तो आपको मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, वही एक आंसर होता है, ठीक है। आप इसको इसके अंदर देखेंगे कि पिछले 10 साल के अंदर आपको रिटर्न मिला है 20.32% का रिटर्न मिला है, और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि आप किस किस कंपनी के अंदर पैसा डाला है, अगर आप वो भी देखेंगे इसके अंदर होल्डिंग देखेंगे तो रिलायंस है, जियो है, आरवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एचडीएफसी बैंक है, बीकाजी फूड्स वगैरह है, आप ये देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप के अंदर। अगर हम मिड कैप की बात कर लेते हैं तो मिड कैप के अंदर भी हम बात कर लेते हैं कि मिड कैप के अंदर कितना पैसा है। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिटर्न कितना है, ठीक है। इसे पिछले 10 साल के रिटर्न देखेंगे, पिछले 10 साल के अंदर हमें इसके अंदर 20.86% का रिटर्न मिला है, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके अंदर हमारा पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, एक सबसे पहले आप में से कितने लोगों ने क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब इसके अंदर आप होल्डिंग देखेंगे तो इसके अंदर यह देखेंगे रिलायंस, अरविंद फार्मा है, आपका कंटेनर कॉरपोरेशन है, सब मदरसन है, और HDFC बैंक, इस तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी अंदर पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लार्ज कैप को भी चेक करेंगे तो आप इसके अंदर पाएंगे कि आपका पैसा यहाँ पे भी क्या है, आपका क्वांट लार्ज कैप के अंदर ही पाएंगे तो आपका वहाँ पे भी पैसा अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। और इसके जो फंड साइज की बात करेंगे, देखिए इसका जो मिड कैप का फंड साइज है 7953 करोड़ का फंड साइज है, और इसके साथ में ही हम जब लार्ज कैप की बात कर लेते हैं तो क्वांट लार्ज कैप की बात करेंगे, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप की बात करेंगे तो इसने पिछले 10 साल के अंदर आपको रिटर्न दिया है आपको 21.55%, और इसका जो फंड साइज है 2955 करोड़ का है। और स्मॉल कैप का और चेक कर लेते हैं जरा, स्मॉल कैप के अंदर मैंने और आपको बताया नहीं था फंड साइज कितना है, स्मॉल कैप चेक कर लेते हैं। स्मॉल कैप के फंड साइज की बात करेंगे तो इसके अंदर आपका फंड साइज है आपका 21,243 करोड़ का, यानी कि इस AMC ने हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 4-5 साल के अंदर। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट रनिंग होती है उसको समझ लेते हैं क्या होती है, क्योंकि जो क्वांट के ऊपर जो सेबी ने शिकंजा कसा है, जो छापा डाला है और जो फाइंडिंग्स पाई हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भैया आप फ्रंट रनिंग कर रहे हो। फ्रंट रनिंग क्या होती है समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए, फ्रंट रनिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है XYZ, ठीक है, और आप इन्वेस्टर हो, आप यहाँ पे हो। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये फंड मैनेजर है FM, ये फंड मैनेजर है। तो जब हम लोग पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो पैसा कहाँ जाता है, फंड मैनेजर के पास जाता है, और फंड मैनेजर के पास में 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 500 करोड़, 1000 करोड़ इस तरीके का पैसा इकट्ठा हो जाता है, और फिर फंड मैनेजर क्या करता है, फंड मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है कि हमें किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है, ठीक है। तो फंड मैनेजर क्या करता है कि मान लीजिए कल को पैसा लगाने वाला था इस फंड के अंदर, आने वाले समय के अंदर कल या परसों पैसा लगाने वाला था फंड के अंदर, कौन फंड, जो फंड मैनेजर होता है वो पैसे लगाने वाला था इसके अंदर कि इस करोड़, इस फंड के अंदर हम 500 करोड़ लगाने वाले हैं, 200 करोड़ लगाने वाले हैं, 1000 करोड़ लगाने वाले हैं। तो ये लगाने से पहले फंड मैनेजर क्या करता है, इसमें पैसा लगाने से पहले, इस स्टॉक में पैसा लगाने से पहले फंड मैनेजर क्या करता है कि वो खुद या फिर ब्रोकरेज हाउस जो होते हैं, ब्रोकरेज हाउस होते हैं, या फिर आप बात कर लेते हैं कि और भी कोई इंडिविजुअल एंटिटी होती है, इंडिविजुअल कोई एंटिटी होती है, तो वो क्या करती है,
फंड मैनेजर उनको बता देता है कि मैं इस स्टॉक को बाई करने वाला हूँ, अपनी पोजिशन बना लो। ठीक है, तो यानी कि फंड मैनेजर बाई करेगा, जब फंड मैनेजर बाई करेगा किसी स्टॉक को तो उसके अंदर उछाल तो आना ही है, 2% का, 5% का, 10% का उछाल आना है। तो उस उछाल आने से पहले ही क्या करता है, ये लीक कर देता है इन्फॉर्मेशन को भाई कि मैं उस स्टॉक को बाई करने वाला हूँ। आप या तो वो खुद, जो खुद उसके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, खुद उसके आका होते हैं, जो देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, उनको बोल देता है कि इस स्टॉक में पैसा लगा दो, मैं इसके अंदर पैसा लगाने वाला हूँ। या वो ब्रोकरेज हाउस को बोल देता है कि भैया आप देख लो, गेम खेल लो, मैं पैसा लगाने वाला हूँ। तो इस तरीके से इसको कहते हैं फ्रंट रनिंग, यानी कि हम पैसा लगाने वाले थे, यानी कि जो इनसाइडर न्यूज़ होती है ना वो लीक करके स्टॉक को बेचना या बाई करना, इसको बोला जाता है फ्रंट रनिंग, यानी कि इलीगल होती है, सेबी की नज़र में इलीगल होती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने इन्वेस्टर को फ़ायदा देने के बजाय आप दूसरों को फ़ायदा करवा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ पकड़ी है। लेकिन इसके अब बात ही आती थी फ्रंट रनिंग ये कर रहे हैं, और फ्रंट रनिंग ये नहीं है कि इन्होंने ही की है, फ्रंट रनिंग के केस बहुत पहले भी लोग कर चुके हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस कर चुके हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल एंटिटी कर चुकी हैं, DIIs वगैरह भी होते हैं वो भी कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि भैया हमें अब क्वांट के अंदर बना रहना चाहिए कि नहीं बना रहना चाहिए, यानी कि हमारे पास कितना खतरा है इस चीज़ के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप देखोगे इन म्यूचुअल फंड को, जैसा कि आपको मैंने अभी स्क्रीन पर बताया था कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप, लार्ज कैप, जितने भी म्यूचुअल फंड आप क्वांट की बात कर लेते हैं, तो एक अच्छी बात यह है कि क्वांट ने क्या किया है, पैसा अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर लगाया है, अच्छी कंपनी जैसे कि रिलायंस है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, रिलायंस है आपका, मदरसन इंडिया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। तो इसका मतलब यह है कि आपका पैसा अच्छी जगह पर लगाया है, और जो प्रोपोर्शन ऑफ पैसा है, यानी कि प्रोपोर्शन मतलब जब हम किसी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो उसका पैसा आपने 60% या फिर 50% या फिर हम 70% आपका जो पैसा है वो अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर लगा हुआ है, यानी कि आपका पैसा सुरक्षित जगह पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा सुरक्षित है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं क्वांट के अंदर, डिफरेंट कैटेगरी म्यूचुअल फंड हैं उनके अंदर आपका जो होल्डिंग है, होल्डिंग का जो अच्छा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, वो अच्छी अच्छी टॉप क्लास कंपनीज में लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा सुरक्षित है, आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस तरह के जो फ्रंट रनिंग करते हैं ना, इनके ऊपर लगाम लगाना भी ज़रूरी होता है, जो कि सेवी लगाती रहती है समय समय पर। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर आप लगाम नहीं लगेगी तो ये लोग और बड़े खेल खेलेंगे, तो जो प्रॉफिट आप लोगों को मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट आप लोगों को ना मिल करके उनके जो परिचित होते हैं, उनके जो डील होती है, इनको ऊपर से जो फंड मैनेजर खेल खेल लेते हैं, उनको फ़ायदा होगा और आपको कम फायदा हो पाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ये चीज़ देख लीजिए कि आपका पैसा क्या है, आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो वहाँ पर ज़्यादा है। हाँ, इसमें दिक्कत पता है कब आ जाती, इसमें दिक्कत जब आ जाती कि आपका पैसा, मान लीजिए सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और इसका पैसा मान लीजिए 40% पैसा, या हम कहें कि 50% आधे परसेंट से भी ज़्यादा पैसा क्या थर्ड क्लास कंपनी में पैसा लगा हुआ, छोटी छोटी कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ या बेकार कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है। इसका मतलब यह है, और वहाँ पे फ्रंट रनिंग हुई है, इसका मतलब यह है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपका उस फंड के अंदर बने रहने का रिस्क बढ़ जाता है। अब इस क्वांट की बात कर लेते हैं कि 2019 से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं 2024 के अंदर, और अच्छे रिटर्न दिए, और प्लस साथ में क्या है कि आपको रिटर्न साथ में देने के अलावा जो इन्वेस्ट किया है पैसा, जो होल्डिंग ले रखी है, वो आपकी होल्डिंग भी कहाँ पे ले रखी है, बेहतर बेहतर कंपनीज के अंदर ले रखी है, रिलायंस, HDFC बैंक, L&T, तो बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर होल्डिंग ले रखी है, यानी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मान लें HDFC बैंक के अंदर एग्जाम्पल तौर देख लेते हैं, हालांकि आप उसको म्यूचुअल फंड को आप ओपन करके देख सकते हैं कि HDFC बैंक के अंदर मान लीजिए अगर 11% की होल्डिंग ले रखी है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, और वो HDFC अगर बर्बाद, ख़त्म, तो सोचिए कि 11% वो कितना बड़ा अमाउंट होता है और आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से फ्रंट रनिंग इन्वेस्टिंग चल रही है, और इसके रिजल्ट और भी सामने आते रहेंगे। क्लेरिफिकेशन क्वांट की तरफ से भी आ गया है कि हम डेडिकेटेड हैं अपने इन्वेस्टर्स के प्रति, कि हम इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं होने देंगे, क्वांट ने बोला ऐसा। और जो भी इंक्वायरी कर रही है, हम उसके लिए प्रॉपर डेटा टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएंगे,
ठीक है, उनकी पूरी हेल्प करेंगे जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास बना रहे और वो पैनिक ना करें, ठीक है ना। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप पैनिक जो भी ये कंडीशन चल रही है ये चलती रहती है ये चीज़ें, कभी क्वांट के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, लेकिन हमें क्या करना है, नज़र बना के रखनी है और जो सेवी है हमारी वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क ऐसे ही करती रहे। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मार्केट में बहुत से लोग, हर तरह के लोग होते हैं मार्केट में, अगर उन पर लगाम ना लगाई जाए तो बेलगाम हो जाते हैं। तो सेवी हमारा इसी तरह से प्रॉपर वर्क करती रहे, इसी तरीके से लगाम लगा के रखी रहे, तो हमारा जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो भी सुरक्षित रहेगा, बना रहेगा। तो क्वांट में फिलहाल तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है कि आपका पैसा एक रिस्क पे है, आपका आप अपनी होल्डिंग बनाए रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, हालांकि ये मेरी राय थी, आप लोगों की राय क्या है, आप क्या समझते हैं, अगर आपके विचार भी कुछ अलग हों, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ कमेंट करके साझा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बाकी व्यूवर्स कमेंट पढ़ के अपनी नॉलेज को ग्रो कर पाएँ, अपना भरोसा बढ़ा पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, इन्वेस्टिंग करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।